यो व्हाट्सअप गाइज, मेरे फ्रेंड जय द लॉर्ड जय, और आज हम लेके आए हैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर हम बात करेंगे कि फरवरी के महीने के अंदर कौन कौन सी नई मूवीज एंड वेब सीरीज आने वाली है जिसके लिए आपको एक्साइटेड होना चाहिए। तो बस बिना किसी देरी के करते हैं जल्दी से इस वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले लेट्स हैव एन इंट्रो। ओके तो भाई बहनों, देखो सबसे पहले हम आ जाते हैं 2nd of February के ऊपर। पर आ रही है एक नई सीरीज जिसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ। वेल फिर उसके बाद Amazon Prime के ऊपर आने वाली है मिस परफेक्ट। हालांकि मिस परफेक्ट तो बहुत सारे लोगों की एक तरह से दिली ख्वाहिश होती है, खैर अब बंदी मिले ना मिले लेकिन सीरीज जरूर मिल रही है। मिस परफेक्ट सीरीज आएगी 2 तारीख को, और वहीं पर अगर हम सिनेमा की बात करें तो सिनेमा में हॉलीवुड की तरफ से आ रही है आर्गाइल। अब वेल ये आर्गाइल मूवी के अंदर मध्य भूमिका प्ले करने वाले हैं नन अदर देन हमारे हेनरी केविल। वेल मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं। फिर डायरेक्टली हम आ जाते हैं 8 फरवरी के ऊपर, जिसमें जियो सिनेमा जो जिसके ऊपर आने वाला है हेलो सीरीज का सीजन नंबर 2। अब वेल हेलो सीरीज की मैंने ना ही गेम खेली है और ना ही सीजन 1 देखा है। कमेंट करके आप बताना कि क्या आप हेलो सीरीज के फैन हो, और अगर फैन हो तो क्या आपको ये लाइव एक्शन सीरीज पसंद आ रही है या फिर नहीं। वेल 9 तारीख को तो भाई और बहनों भंडारा ही लग रहा है मूवीज का 9th of February के ऊपर। सबसे पहले तो मूवी एक ऐसी मूवी आने वाली है जो है हमारे मास महाराजा रवि तेजा सर की ईगल। वेल ये ईगल मूवी पहले जैन में रिलीज होने वाली थी, पर जैन के अंदर एक मूवमेंट पे बहुत सारी भीड़ लग गई थी मूवीज की, इसलिए इन्होंने शिफ्ट कर ली अपनी रिलीज डेट। इसके बाद अगर हम आगे आए यानी कि नेटफ्लिक्स के पास, तो भाई उन्होंने नेटफ्लिक्स हमारे लिए लेके आने वाला है भक्षक मूवी। अब ये भक्षक मूवी जो है ना, ये एक ऐसी मूवी है जिसमें भूमि पेटनेकर एक बार फिर से एक बोल्ड कैरेक्टर प्ले करेंगी, लेकिन इस बार बोल्ड होगा वो अपनी आइडियोलॉजी से, सेक्सुअलिटी से नहीं। और इस वाली सीरीज के अंदर हमें देखने को मिलेगा किस तरह भूमि पेटनेकर का कैरेक्टर जो है वो एक भक्षक से बहुत सारी बच्चियों को छुड़वाता है। वेल फिर हम आ जाते हैं हॉटस्टार के ऊपर, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार जो है वो लेके आएगा आर्या सीरीज के सीजन 3 का पार्ट 2। हालांकि ये बकचोदी लगती है मेरे को लिटरली कि भाई एक सीजन को आप 2 टुकड़ों में रिलीज कर रहे हो, डायरेक्टली नाम ही दे दो ना सीजन 2, 3, 4, 5। खैर अब जो भी है सो है, आर्य सीरीज एक अच्छी सीरीज है तो उसके लिए हम इतना इंतजार तो कर ही सकते हैं। वेल अगर हम वापस आ जाए सिनेमा के ऊपर, तो भाई और बहनों सिनेमा के अंदर आ रहा है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। हालांकि ये गाने के अंदर तो ठीक है, लेकिन इतना लंबा नाम एक पिक्चर का नहीं होना चाहिए, बहुत बकचोदी लगती है। लेकिन यार मूवी का ट्रेलर मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। इस मूवी के अंदर शाहिद कपूर की जो बंदी होने वाली है यानी कि कृति सैनन, वेल कृति सैनन आगे जाके निकल जाएगी एक रोबोट, और अब एक ह्यूमन को प्यार हो जाएगा एक रोबोट से। अब लेट जस्ट सी इस मूवी के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। फिर अगर हम आए 9th of February से जंप मार के सीधा 14th of February द वैलेंटाइंस डे के ऊपर, तो भाइयों और बहनों वैलेंटाइंस डे के अंदर सबके दिलों के अंदर धक 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 करने के लिए आ रही हैं डकोटा जॉनसन और साथ ही साथ सिडनी स्वीनी लेके मैडम वेब। अब वेल ये देखो मैडम वेब मूवी जो है ना, उसका घंटा किसी को कोई परवाह नहीं है, मैडम वेब मूवी बिन बात में ही आ रही है और कोई भी देखने के लिए एक्साइटेड नहीं है। लेकिन स्टिल मूवी के अंदर ऐसी एक्ट्रेसेस ले रखी हैं जिसके ऊपर लोग पर्ची फाड़ के देखने तो चले ही जाएंगे मूवी। खैर अगर हम एक अच्छी मूवी की बात करें तो अच्छी मूवी आ रही है ऑपरेशन वैलेंटाइन। देखो यार इस साल है ना एरियल बैटल कॉम्बैट के ऊपर बहुत सारी हमें मूवीज देखने को मिलने वाली है, यानी कि एयरफोर्स से रिलेटेड मूवी बहुत सारी देखने को मिलेंगी। जैन में तो हमने ऑलरेडी एक देख ही लिया फाइटर, जो कि अच्छी मूवी थी लेकिन उसके बावजूद वो फ्लॉप होती जा रही है। तो वेल अब लेट जस्ट सी ऑपरेशन वैलेंटाइन कैसी मूवी होने वाली है। ट्रेलर देख के तो लग रहा है कि बहुत बढ़िया मूवी होगी, बाकी जब आएगी तभी पता चलेगा। वेल लेकिन यहीं पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी कहां पीछे रहने वाला है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार लेके आ रहा है हमारे लिए स्टार वॉर्स द बैड बैच का सीजन 3, और 22nd of February के ऊपर आएगी नेटफ्लिक्स के अंदर अवतार द लास्ट एयरबेंडर। वेल उसके बाद हम थोड़े सा आगे बढ़ते हैं और 23rd of February के अंदर हमें टोटल 4 अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलने वाले हैं। एक इंद्राणी मुखर्जी का शो जो कि एक डॉकॉक सीरीज होने वाली है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सिनेमा पे, तो सिनेमा पे विद्युत जामनन लेके आने वाले हैं क्रैक।
क्रैक मूवी। हालांकि उनकी मूवीज के अंदर एक्शन बहुत ही बढ़िया लेवल का होता है, बाकी अगर इस मूवी के अंदर स्टोरी भी बढ़िया हो गई ना तो मजा ही आ जाएगा। और आखिरी बट नॉट द लीस्ट, और मे बी शायद इस पूरे फेब के मंथ की सबसे ज्यादा पावरफुल मूवी जो हो सकती है, आर्टिकल 370। वेल, इस मूवी के अंदर मध्य भूमिका प्ले कर रही है हमारी यामी गौतम, और इस मूवी को वही लोग बना रहे हैं जिन लोगों ने उरी मूवी बनाई थी। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है उरी मूवी कितनी ज़्यादा अमेजिंग मूवी थी। एंड वेल, ये तो टॉपिक ही अपने आप पे इतना ज़्यादा हॉट है कि इसके ऊपर मूवी अगर अच्छे से बना दी जाए तो अपने आप में बैंगर मूवी बन सकती है। तो शायद ये एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली मूवी हो सकती है, लेकिन स्टिल आने वाली है एकदम एंड में, तो हमें तब तक का वेट करना पड़ेगा। फेब में और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी अमेजिंग कंटेंट हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टिल उनके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं आई है। तो वेल, जब भी कंफर्मेशन आ जाएगी तो उसको लेकर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, लेकिन तब तक के लिए गुड नाइट चिल्ड्रन, टेक केयर एंड टाटा।